स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं हूं मुकद्दस इनामदार। कुछ ही दिन पहले भुजापुर में एक जो वेबसाइट को लेकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, उसी के तरह आज भुजापुर से जाकर मैसूर में वहां पे इन्वर्टम कंपनी के तरफ से फिर से एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है। आइए हम उन सबसे जुड़ते हैं, उन टीम से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि वहाँ का जो प्रोग्राम था और उन्हें किस तरह से ये हुआ और इस प्रोग्राम में जो उन्हें इस वेबसाइट को लेकर फिर एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जो तजुर्बा है वो किस तरह से। आइए सर, स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस। हाँ, मेरा नाम शौकत अहमद कोतवाल है, कोफाउंडर लीड एट इनोटम.com। आइए और एक जो टीम मेंबर हैं जो वहाँ पे मैसूर में लीड करके वहाँ पर भी आए थे, आए उनसे भी जानते हैं। सर स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मेरा नाम अब्दुल रहीम सुतार है और मैं इनोवेटम में कोफाउंडर और प्रोग्राम लीड हूँ। सर, जो आपने भुजापुर से मैसूर में जाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सर, तो आपको इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस तरह से महसूस हो रहा है, किस तरह से प्राउड हो रहा है आपको? बहुत ही खुशी होता है एंड अपने आप को एक प्राउड भी फील होता है कि बीजापुर शहर से हम मैसूर जाके वहाँ पे बीजापुर का नाम रोशन करके आए हैं एंड साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी के साथ हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड वहाँ पे सेट किया है। बहुत ही मतलब एक प्राइड फील होता है। सर, मैसूर में अक्सर वहाँ पे जो जाना जाता है NII नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, जो एक बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रुतबा रखने वाली कॉलेज है, वो कॉलेज आप पी को क्यों वहाँ पे इनवाइट करके इस प्रोग्राम के लिए ये किया गया? सर देखिए सर, लास्ट टाइम भी हमने बीजापुर में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड किया हुआ था, जो कि हमारा टारगेट था उस टाइम 200 का, तो हमने 207 का टारगेट यहाँ पे अचीव किया था। तो वहाँ पर ये बात हर जगह फैलने की वजह से तो मैसूर वालों ने भी हमें इनवाइट किया, NII कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग वालों ने, कि आप आइए हमारे कॉलेज में भी ऐसा फंक्शन कीजिए। तो हमने वहाँ पर जाके फंक्शन किया हुआ। सर जब मैसूर कॉलेज ने आपको इनवाइट किया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कितने कैंडिडेट्स का एक लिस्ट दिया गया था कि कितने रैंक आएंगे, मतलब कितने लोग जमेंगे, तो आपको उस प्रोग्राम में कितने जुड़ने का अंदाज़ा था, तो कितने जुड़े? हाँ सर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने वहाँ पे टारगेट दिया गया था 700 वेबसाइट्स इन ए सिंगल डे, तो हमारा टारगेट था मतलब 800 मतलब वेबसाइट डेवलप करके होस्ट करेंगे एक दिन में। लेकिन हुआ कि यहाँ पे बहुत ही ये हो गया, अच्छा हो गया, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना बहुत ही अवेयर थे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, प्लेसमेंट के रिलेटेड, नई चीज़ों को सीखने के रिलेटेड, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन मतलब 1000 स्टूडेंट्स आने का एक्सपेक्टेशंस था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे 1500 प्लस स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था, एकदम एंथुस्टिक, एकदम इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही क्यूरियस थे वहाँ पूरे स्टूडेंट्स वहाँ पे वेबसाइट डेवलप करके होस्ट करने के लिए। सर इस प्रोग्राम को चलते वहाँ पे जो एक्चुअली वहाँ पे बेंगलुरु नज़दीक होता है, वहाँ पे दूसरे दूसरे जो बड़े बड़े कॉलेज वहाँ पे हैं, उन कॉलेज को अवॉइड करके, उन कॉलेज को नज़र में ना रखते हुए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस कॉलेज में आपको इस जो प्रोग्राम का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, तो उसके लिए आप वहाँ के जो स्टूडेंट्स में किस तरह का एक ये देखने को मिला? हाँ सर, ये तो बहुत ही फ़ख्र की बात है कि NII नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, उन्होंने हमारे को इनवाइट किया था इनोटम को बीजापुर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी से, बहुत ही फ़ख्र की बात है ये। यहाँ मैं बेंगलुरु में भी बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इनोटम को ही इसलिए बुलाया गया था कि जो फील्ड जो हमारा है ना, वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट या जो प्लेसमेंट है ना, जितना सफलता हमने हासिल किया है बहुत ही कम टाइम में, वो मद्देनज़र रखते हुए, वो टैलेंट को देखते हुए, तो उन्होंने एंड पूरे मतलब इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी इस चीज़ को लेके किसी ने इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं किया है। हाँ, बहुत सारे हमारे से भी अच्छे लोग हैं, हम भी मतलब वी आर एक्सपर्ट इन द फील्ड, हमारी तरह मतलब जिस लेवल पे डिसिप्लिन, जिस लेवल पे मतलब कैमरे भी हमने अचीव किया था ना बीजापुर में, तो वीडियो ने वहाँ पे यहाँ पे जो बीजापुर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वहाँ पे को मैसूर तक भी पहुँचा हुआ है, हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम, इनोटम का नाम, बीजापुर का नाम वहाँ तक भी पहुँचा है, तो उसको देख के उन्हें बहुत ही इंस्पायर हो गए वो लोग, तो वो चाह रहे थे कि हम लोग, उन्होंने बहुत लोगों को भी सर्च किया होगा शायद हमारी तरह रिकॉर्ड करने के लिए, शायद दे फेल लाइक वी आर द एक्सपर्टाइज इन द फील्ड, दैट्स व्हाई दे इनवाइटेड अस। सर इस तरह से जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, इसमें ITI फील्ड के मतलब जो आपके फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या फ़ायदे हैं इससे?
एक फ़ायदा तो ये होगा सर कि उनको टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टाइज होगा, जैसे बहुत सारी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है किसी को तो तीन टेक्नोलॉजीज़ उनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे HTML, CSS और JavaScript। तो वहाँ पे हमने जो वेब डेवलपमेंट का किया हुआ था वर्कशॉप, तो उसमें हमने HTML और CSS को वहाँ पे उनको सिखाया और बच्चों में बहुत सारा उत्साह था कि वो सही तरीके से कर भी पाए, और उन्होंने ऑनलाइन होस्टिंग भी कर लिया, तो इस वजह से वो वर्कशॉप भी सक्सेसफुल रहा सर। सर अभी तो आपका दो डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना चुके हैं आप, अगर इसी तरह कर्नाटक में किसी और डिस्ट्रिक्ट में या ऑल ओवर इंडिया में किसी दूसरे स्टेट से आपको अगर कोई नेशनल कॉलेज आपको इनवाइट करती है तो क्या आप वहाँ पे जाके इसी तरह से प्रोग्राम करते हैं? इसी तरह आपका जो रिकॉर्ड बन रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसी तरह आपका रिकॉर्ड आप ही तोड़ेंगे? ज़रूर सर, बेशक क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और पूरे नॉट ओनली मैसूर से तो आया है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, बहुत सारे कॉलेजेस भी हमारे को अप्रोच कर रहे हैं ऐसे रिकॉर्ड सेट करने के लिए। एंड इसमें एक सक्सेस का क्रेडिट जाता है हमारे वॉलंटियर्स को, जो BL इंजीनियरिंग कॉलेज से और CKM इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो दोनों कॉलेज से वहाँ पे आके साथ देखे, बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही वॉलंटियर्स के बहुत ही मेहनत के साथ ये वर्कशॉप सक्सेसफुल हुआ है। एक बड़ा क्रेडिट हमारे CKM के बच्चों को और BLD बच्चों को जाता है। सर जो 1000 वेबसाइट का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, क्या ये इस तरह से किसी ने भी इससे पहला किसी ने ट्राई किया, किसी ने बनाया है? जी हाँ सर, पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया है, जैसे गुलबर्गा में या फिर बेंगलोर में, यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया है, लेकिन इसको सक्सेसफुली हमने अटेम्प्ट करके उसको सक्सेसफुल किया हुआ है। सर ये जो 1000 का वेबसाइट का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो आप ही से क्यों सक्सेस हुआ है? एक वर्ड बनना चाहता हूँ सर मैं, पैशन, जज्बा और जुनून। जो भी हम काम करना चाहते हैं ना, अगर उसमें सही में जज्बा रहता है, मतलब पैसे को थोड़ा साइड में रख के सही में एक बड़े काम को अंजाम देने का जो पैशन, जो ईगरनेस, जो एंथुसियम, जो एनर्जी रहता है ना, तो वो इनोटम टीम में भी है, हमारे वॉलंटियर्स में भी था। एंड जो वर्कशॉप में मतलब रहता है कि बच्चे को क्या चाहिए, मतलब दे नीड द जॉब, उनको जॉब चाहिए और जॉब को लेने के लिए मतलब टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। एंड द एक चीज़ इनोटम सबसे बढ़िया करता है, वी मेक स्टूडेंट फॉल इन लव विद द टेक्नोलॉजी वी आर टीचिंग। दैट लाइक द मेन थिंग इज लाइक वी वॉन्ट टू टच द सोल ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट विद द टेक्नोलॉजी वी आर टीचिंग। इसी तरह मतलब हम लोग क्या करते हैं, पूरे तहे दिल से और कंप्लीट फ्रॉम बेसिक से, और समझो वेबसाइट बनाने के लिए मतलब लोगों को लगता है कि बेसिक आना चाहिए, ऐसा कुछ रहता नहीं है, तो बस कंप्यूटर भी ऑन ऑफ करने आता है एक स्टूडेंट को, तो हम उसको वेब डेवलपर बनाया है और बनाएंगे भी। मैसूर में जो इन्वर्टम कंपनी के तरफ से वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, उसी के चलते जो वॉलंटियर उस प्रोग्राम में, यहाँ पे वॉलंटियर्स थे बीजापुर के जो दूसरे दूसरे कॉलेज से थे, आइए उनसे जुड़ते हैं, इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में उनका जो योगदान है और वो किस तरह से फील कर रहे हैं, आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। मायसेल्फ जुनेद अली इनामदार है मेरा नाम, और मैं इनोवेटम टीम की ओर से वॉलंटियर एज ए वॉलंटियर गया था। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इनोवेटम के शौकत सर और अब्दुल रहीम सर को। इट वॉज़ वेरी प्राउड मोमेंट, वी वर द पार्ट ऑफ इनोवेटम टीम ऑन दिस वर्कशॉप, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर CKM इंस्टीट्यूशन हु गेव परमिशन फॉर गोइंग ऑन मैसूर NI कॉलेज। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू कादरी सर एंड असलम सर, स्पेशली वी वर गिवन परमिशन टू गो विथ इनोवेटम टीम एज वॉलंटियर्स ऑन दिस वेब एक्सप्लोर वर्कशॉप। So it was very good experience and I would like to say thank you to everyone. आइए फिर एक वॉलंटियर से बात करते हैं, उन्हें भी किस तरह से प्राउड हो रहा है, किस तरह से फील हो रहा है। स्वागत है सर इस न्यूज़ पे। मेरा नाम उपाशीर बेकणकर, मैं भी इस इनोवेटम का पार्ट था एज अ वॉलंटियर। सो मैं बहुत प्राउड था इस वॉलंटियरशिप से लेके कि हमें इतने NI कॉलेज जाके वहाँ पे वॉलंटियर्स बन के वहाँ पे वेब डेवलपमेंट कोर्स वॉलंटियर्स बन के बनाए, और हमारे CKM कॉलेज इंस्टीट्यूशन से हम लोग को परमिशन मिला कि हमें जा सकते हैं कि NI कॉलेज। सो हमारे कादरी सर HOD एंड असलम सर गिव अस परमिशन टू अटेंड दिस वेब एक्सप्लोर। थैंक यू। आइए फिर एक वॉलंटियर हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, वो कौन से कॉलेज से हैं और वो क्या कहना चाहते हैं? सर स्वागत है यस न्यूज़ में। मायसेल्फ समीर बाशा, आई एम फ्रॉम CKM इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड वी हैड गॉन फॉर
मैसूर NI कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। हम वहाँ पे वॉलंटियर के तौर पे गए थे, हमारे कॉलेज और BLD कॉलेज वाले। हमने वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए हैं, उनको सब HTML CSS वगैरह सिखा के हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए और हम बहुत प्राउड हैं इसके वास्ते। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारे कॉलेज में कादरी सर को, हमारे HOD और हमारे असलम सर को, थैंक यू। आइए फिर एक वॉलंटियर से बात करते हैं और जुड़ते हैं, जानते हैं उनसे। सर स्वागत है यस न्यूज़ में। तो मेरा नाम नासिर शेख है। तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर बच्चों को अगर कुछ सीखने की चाह रहेगी तो वो कहाँ भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने वैसे ही कुछ कोशिश की, हमारे साथ हमारे सर थे, हमारे इनोटम सर थे, शौकत सर थे, जिन्होंने हमारी बहुत सारी हेल्प की। तो एज अ लर्नर हम भी कुछ सीखने ही गए थे वहाँ पर, हम लोगों को सिखाने भी गए थे, हम सीखने भी गए थे। हमको भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी, जैसे नया इन्वायरमेंट, बाहर के लोग कैसे होते हैं, उनकी सोच कैसी रहती है, वो हमारे से ज़्यादा सीखे हुए हैं या हम उनसे कम हैं, कुछ सीखने मिलेगा एक दूसरे से। ऐसे ही लोगों को मिल के हम अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ के लिए मैं हमारे इनोवेटम टीम, हमारे शौकत सर और हमारे कॉलेज के जो स्पेशली कादरी सर, हमारे असलम सर का सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे कॉलेज वालों ने हमको परमिशन दी कि ऐसा आप काम कीजिए इनोटम टीम्स के साथ मिलके। तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी, ऐसा बड़ा काम करना कोई मामूली बात नहीं होती। तो हमारे इनोटम टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे साथियों के साथ और हमारे साथ एक बॉन्ड बना, इधर हम सब साथी मिल के एक साथ काम किए, एक टीम वर्क सर का जाके सबकी हेल्प की उधर। तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सबको। आइए और एक वॉलंटियर जो है उनसे भी जुड़ते हैं और उनसे भी जानते हैं। सर स्वागत है यस न्यूज़ में। तो मेरा नाम जाबिर हुसैन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो हमारी इनोवेटिव टीम है, जिनके अशोकत सर और अब्दुल रहीम सर, जिन्होंने हमारी बहुत सी मदद की, और सर के अंडर गाइडेंस में हम जिन्होंने दूसरे लोगों को, दूसरे स्टूडेंट को जो सिखाया इनोवेटम का HTML CSS JavaScript और बाद में जो हमारा डोमेन बनाने का था वो सब सिखाया हमने। और हम अंत प्राउड फील करते हैं कि हम स्टूडेंट होकर भी दूसरे स्टूडेंट को सिखाया, और हम इनका, हमारे सर का, HOD सर का और प्रोफेसर असलम सर का शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू। जैसे कि आपने सुना, इस बीजापुर से, बीजापुर के आगे जाकर एक इन्वर्टम कंपनी जो बीजापुर का नाम रोशन करके बेंगलुरु से नज़दीक रहे, बहुत ही बड़े बड़े कॉलेजों के बावजूद भी बीजापुर से आगे जाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के बीजापुर का नाम जो है रोशन करे हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी देते हुए कि कुछ सीखना और सिखाना है, कई यहाँ के कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को लेकर जाके उन्हें एक हौसला दिलाते हुए उनके ही जेर निगरानी में एक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ये कहीं ना कहीं एक बीजापुर के लोगों के लिए और बीजापुर के सारे दूसरे कॉलेजेस के लिए भी एक प्राउड जैसा लगना चाहिए कि बोलते हमें भी एक प्राउड लगता है कि हमारा बीजापुर का नाम जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज जुड़ा हुआ है। आइए अब हम इनोवेटम कंपनी के जो यहाँ पे मेंबर हैं, जो टीम मेंबर हैं शौकत सर, आइए उनसे जानते हैं कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीजापुर से लेकर मैसूर में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से फील कर रहे हैं। सर हाँ सर, मैं लास्टली ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो BLD इंजीनियरिंग कॉलेज है उनको मैं बहुत ही शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ, सिक्याब इंजीनियरिंग कॉलेज को, अंजुम डिग्री कॉलेज को, या दरबार चेतना कॉलेज, ASP एंड चेतना कॉलेज को, जो स्टार्टिंग में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था उन्होंने हमारा साथ दिया था एज ए पार्टनर एंड सक्सेसफुल हो गया। एंड उसके होते हुए हमने मैसूर में किया है वर्कशॉप, वो तो बहुत ही बड़ी फख्र की बात है हमारे लिए और पूरे शहर के लिए और पूरे हमारे वॉलंटियर्स के लिए एंड बीजापुर के लोगों के लिए भी। बस आखिर में ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अभी अगर मतलब ऐसे ही मतलब वॉलंटियर्स का साथ मिलता है, हम और इसमें मेहनत करेंगे कि इंडिया में उतना ही नहीं फॉरेन कंट्री में भी हम वर्ल्ड रिकॉर्ड करने की उम्मीद रखते हैं और उसके ऊपर काम भी करेंगे हम लोग। एंड जो लोग बीजापुर में खासकर जो IT के अंदर जॉब करना चाहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है एंड उनको सही में सीरियसली जॉब करना है, तो वो भी हम लोग मतलब उसके ऊपर भी बच्चों को उसके ऊपर ट्रेनिंग और प्लेसमेंट करवाते हैं, तो आप आके हमारे से मिल सकते हैं। शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ मैं सभी कॉलेजेस को, हमारे बीजापुर के सभी कॉलेजेस को एंड सभी को, थैंक यू। सर आपको किस तरह से फील हो रहा है?
जी सर, बेहद खुशी होती है ऐसे जब कोई आप एक सक्सेसफुल इवेंट करते हो। तो मैं भी तमाम कॉलेजेस जो हमारे बीएलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, सिक्याब इंजीनियरिंग कॉलेज, अंजुमन डिग्री कॉलेज, चेतना, वेदांता, तो इन सभी डिग्री कॉलेजेस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे खास करके वॉलंटियर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। शुक्रिया सर। जैसे कि आपने इन्वर्टम कंपनी के सारे मेंबर से भी जो बात टीम मेंबर से बात किया और जो वॉलंटियर थे मैसूर में जाके एक इवेंट करके वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, उन्हीं के जुबानी आपने सुना उस प्रोग्राम में किस तरह से उन्हें फील हुआ और वो किस तरह से महसूस कर रहे हैं। इसी की तरह ज़्यादा न्यूज़ के लिए देखते रहिए यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972955999 और 8050828793। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.